इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के मल्हार मेगा मॉल के सामने से पुलिस की पेट्रोलिंग के दौरान दो संदिग्ध युवकों को पकड़ा। तलाशी लेने के दौरान एक युवक के पास दोनों तरफ से खुलने वाला धारदार चाकू निकला। पूछताछ करने पर पकड़ाए आरोपियों ने अपना नाम अश्विन पंचोली 30 वर्ष निवासी जुनी इंदौर बताया है, जिससे पुलिस ने चाकू जब्त किया। विजयनगर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को पकड़कर तत्काल थाने लेकर आई। आरोपी अश्विन पर 25 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई और उसके साथी रघुनंदन शर्मा 37 वर्ष निवासी सारंगपुर जिला राजगढ़ पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। आज सैटरडे था, काफ़ी भीड़भाड़ थी यहाँ बार वगैरह में। मैं अभी भ्रमण पे था तो अचानक दो संदिग्ध व्यक्ति मल्हार मॉल के सामने रोड पे खड़े देखे। हमारे स्टाफ ने और मैंने जाके उनको चेक किया तो उनकी चेकिंग के पश्चात फिजिकल जब चेकिंग की गई तो एक आरोपी है अश्विन पंचोली, लगभग 30 साल का है, जूनी इंदौर का रहने वाला है। इसके दाहिनी जेब से एक धारदार हथियार चाकू मिला जो दोनों तरफ से उसका वो नाइफ खुलता है, चाकू खुलता है। और आरोपी को पकड़ के पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि चाकू उसने राजस्थान से कहीं से लिया है और उसका कहना था कि मेरी पत्नी के बारे में किसी ने गलत टिप्पणी की थी तो इसलिए मैं चाकू रखे घूम रहा था। आरोपी को हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। लगभग 12:30 बजे की ये घटना है। ये रात में अपने एक दोस्त के साथ घूम रहा था जिसको हमारे विजयनगर पुलिस के द्वारा मेरे द्वारा पकड़ा गया है। ये अश्विन पंचोली है और जूनी इंदौर का रहने वाला है। इसके संबंध में हम लोग और पता कर रहे हैं कोई आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह इसकी क्या स्थिति है, और चूंकि अभी इसको पकड़ा है तो इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। सर, ये पत्नी को बोलने के बाद में ये कई घटना को अंजाम देने जाता था? हाँ, वो इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। उसका कहना था कि मेरी पत्नी के बारे में किसी ने गलत टिप्पणी की थी इसलिए मैं ये चाकू लिए घूम रहा था, और अभी बाकी डिटेल हम लोग उससे पूछताछ कर रहे हैं तो अब बाकी डिटेल और सामने आएगी।